हे गाइस, दिस इज मोहित कुमार कश्यप और आप हमारी सभी वीडियोस अब अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो गाइस, 100 रीजनिंग क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है, आज मैं उसका सेकेंड पार्ट लेकर आया हूँ, पार्ट टू। फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया होगा, जहाँ पर मैंने 8 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो आज के इस पार्ट में भी मैं 8 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, क्वेश्चंस की PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे अनअकैडमी का, सेकंड नंबर पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक मिलेगा आपको। लेकिन उससे पहले आपको टेलीग्राम को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद इस लिंक पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर जाएंगे और वहाँ पर मैं ये जो क्वेश्चन है उसकी PDF डाल दूंगा, ठीक है। सॉल्यूशन आप यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नांकित प्रश्न नीचे दी गई वर्णमाला पर आधारित हैं, मतलब एक से लेकर ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि दाएं ओर से दसवें अक्षर के बाईं ओर सातवां अक्षर क्या होगा। तो देखिए, दाएं जो चलेंगे हम इस साइड से चलेंगे दाएं, और बाएं चलेंगे हम इस साइड से, क्लियर। जब क्वेश्चन में एंट्री करेंगे तो आप दाएं में से एंट्री यहां से करेंगे और बाएं से एंट्री ऐसे करेंगे, लेकिन जब क्वेश्चन में एंटर कर जाएंगे तो दाएं आप ऐसे ही चलेंगे राइट हैंड की तरफ और बाएं चलेंगे लेफ्ट हैंड की तरफ, क्लियर। अब क्वेश्चन में कहा गया कि दाएं ओर से दसवें अक्षर के बाईं ओर, दाएं ओर से दसवां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्यों होगा। दाईं ओर से दसवें अक्षर के बाईं ओर सातवां, बायां किधर चलना है, हमने इधर ही तो चलना है, क्योंकि बायां मैंने यही तो बताया लेफ्ट हैंड साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 क्या होगा, जे, जे हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये इसमें पूछा है, ठीक है, क्लियर हुआ। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है कि AZXCXUEVRGTO नेक्स्ट क्या होगा, क्लियर। अब यहां पर आप देखिए, ये सीरीज फॉलो हो रही है, ABCDEFG, G खत्म होगा G, H, I से स्टार्ट होगा, ठीक। और एक चीज और देखिए कि A के अपोजिट अगर देखा जाए, Z चलता है, अगर मैं ये अल्फाबेट को उल्टा लिखो, Z Y X W V U, इस तरीके से चलेगा, है ना। तो A के अपोजिट Z चलेगा, C के अपोजिट X चलेगा, E के अपोजिट V चलेगा, G के अपोजिट T चलेगा, और हमारा आता है आगे I के अपोजिट R चलेगा, है ना। और इधर से देखें तो U V W X, दो दो के डिफरेंस से, फिर R S T, और फिर इधर से O P Q, और ये R है, और O से पहले N M, ठीक है, M N O, तो क्या होगा, L M N O ये बनेगा। तो हमारा क्या बना, IRL, क्या बनेगा, IRL, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में हमें दिया हुआ है, ये आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो ये सीरीज का क्वेश्चन हो जाता है। तो दो क्वेश्चन यहां पर हमारे कंप्लीट हुए, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। देखिए, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, और ये है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि मेकर को कोडिंग लैंग्वेज में लिखा गया है N Z R D S, एंड क्या लिखा हुआ है, हॉर्स को, HORSE, हॉर्स को लिखा हुआ है, क्या मतलब, ये पूछा जाएगा कि हॉर्स को क्या लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए, इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि यहां पर आपको देखना है, M के बाद क्या आता है, N, नेक्स्ट वन आता है N, और A से पहले Z, K के बाद KL, और E से पहले D, और R के बाद
एस, तो एक आगे वाला लेटर आ रहा है, एक पहले वाला प्रीवियस, नेक्स्ट एंड प्रीवियस, है ना। एच के बाद आई, ओ से पहले एन, आर के बाद एस, एस से पहले आर, ठीक है, ई के बाद, ई के बाद एफ, तो क्या बन जाएगा, आई एन एस आर एफ, आई एन एस आर एफ, क्लियर। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि सामंत को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन फरवरी माह में 15 तारीख को, लेकिन 18 तारीख से, 15 के तो बाद हुआ है और 18 के पहले। उसकी बहन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन फरवरी माह में 16 के बाद और 19 के पहले हुआ है। बताइए कि फरवरी माह के किस तिथि को सामंत का जन्मदिन है। तो देखिए 15 और 18 के बीच में दो डेट आती हैं, एक 16 और एक 17। 16 और 19 के बीच में दो डेट आती हैं, 17 और 18, ठीक है। अब दोनों में डेट कौन सी कॉमन है, 17, तो 17 को होगा, ठीक, क्योंकि 18 में तो होना नहीं है, 18 में तो वैसे भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 18 से पहले बोला है। 16 में क्यों नहीं होगा, ठीक है, 16 के बाद बोला है उसकी बहन ने, तो 17, दोनों में कॉमन, इसलिए 17 इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है कि नीचे दी गई श्रृंखला में कितने ऐसे 6 हैं जिनके ठीक पहले 9 है लेकिन ठीक बाद में 3 नहीं है। तो हम लिखते हैं 6 2 9 2 6 9 2 6 9 4 6 9 6 2 3 6 2 9 6, इसके बाद ले लेते हैं 2 6 6 9 6 2 3 6 9 5 6 8 4 9 6 2 6। अब इसने कहा है कि कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 9 और ठीक बाद में 3। पहले तो 9 है, ठीक है, पहले तो 6, मतलब ऐसे 6 ढूंढने हैं जिनके पहले तो 9 है लेकिन ठीक बाद में 3 नहीं है, तो 3 नहीं होना हमें। 96 ऐसा ढूंढना है, इसका मतलब ये है 6 के पहले 9 तो होना चाहिए लेकिन बाद में 3 नहीं होना, हमें 96 ऐसा ढूंढना है जिसके बाद में 3 ना हो। तो ढूंढिए, 96 ढूंढते हैं, 1 2 3 4, 4 ऐसे 96 हैं जिनके बाद 3 नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ तो ये था, सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ और सेवन्थ क्वेश्चन एक साथ हैं, मतलब एक कंडीशन दी हुई है, वर्गाकार मेज है उसके चारों तरफ बैठे हैं, उसके ऊपर उससे रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन है कि ई एफ जी एच आई जे के एल एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, वे प्रत्येक को दो दो करके बैठे, मतलब प्रत्येक ओर, मतलब ये हमारी वर्गाकार मेज हो गई, ठीक है, दो यहाँ बैठेंगे, दो यहाँ पर, दो यहाँ पर और दो यहाँ पर, 8 लोग हैं, है ना, ठीक। अब इस समूह में 3 महिलाएं भी हैं जो कि एक दूसरे के पास नहीं बैठी हैं, तो महिलाएं एक दूसरे के पास नहीं बैठेंगी, ठीक है, अलग अलग हैं। अब इसमें कहा गया कि जे एल और टी, एल और एफ के बीच में है, इसमें बोला है, पहले आपको ध्यान रखना है कि दायां हमेशा इस साइड में चलेंगे और बाएं ऐसे चलेंगे, और बोला है कि जे एल और एफ के बीच में है, तो एल आप यहाँ बिठा दीजिए, एफ यहाँ पर रख दीजिए। फिर उसमें आगे बोला जी ई और एफ के बीच में है, जी ई और एफ के यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, जी ई और एफ के बीच में हो सकता है, लेकिन अभी देखते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। आगे है कि एच एक महिला है जो जे के बाईं ओर दूसरी, अब जे के बाईं ओर इधर चलेंगे हम दूसरे स्थान पर, 1 2 यहाँ पर एच, और ये क्या है, एक महिला, क्लियर। आगे है एफ जो कि पुरुष सदस्य है, ई के सामने है, ये पुरुष है और ई के सामने, यानी कि ई यहां पर फिर नहीं होगा, ई होगा यहां पर, ठीक है, जो कि एक महिला है, है ना। एफ और आई के बीच में एक महिला बैठी हुई है, एच
एफ़ और आई के बीच में, एफ़ और आई के बीच में, आई को हम यहाँ बिठा देते हैं, ठीक है। उसने यही तो बोला था पहली वाली लाइन में कि ई और एफ के बीच में जी है, लेकिन ये थोड़ी ना बीचों बीच है, दूसरा भी कोई व्यक्ति हो सकता है। तो अब इस वाले लाइन में क्या क्लियर हुआ कि एफ और आई के बीच में एक महिला, एफ और आई के बीच में एक महिला जी है, उसे महिला ही मान लेते हैं। तो तीन महिलाएं तो कंप्लीट हो गई, ठीक है। पोजीशन हमारी कितनी फिल हो गई, 7। एक लास्ट पोजीशन बच जाती है, तो लास्ट पोजीशन लास्ट बंदे को दे देते हैं, जो भी हमारा बच जाता है, यानी कि कौन बच गया, के बच गया, तो के को ये वाली पोजीशन हम दे देते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वो है कि एफ के ठीक बाईं ओर निम्नलिखित में से कौन बैठा है, एफ के ठीक बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, जे बैठा हुआ है, ठीक बाईं ओर अगर बोलेगा तो जे है, क्लियर। के और एफ के बीच में कितने लोग बैठे हैं, के कहां पर है, के और एफ के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, अगर इस साइड से देखा जाए तो कितने हैं, 1, 2, 3, और इस साइड से देखा जाए तो 1, 2, 3, दोनों ही साइड से तीन तीन व्यक्ति हैं, ठीक है। तो तीन आंसर लगा देंगे, जो कि थर्ड ही ऑप्शन है इसका, क्लियर। तो गाइज यहां पर दो क्वेश्चन पूछे गए, कभी कभी क्वेश्चन दो से ज्यादा भी पूछे जा सकते हैं, 3, 4 या 5 पूछे जा सकते हैं, क्लियर। तो वहां पर बस यही पूछ लेंगे कि एल के सामने कौन है, ठीक है, एफ का स्थान जी से क्या है, तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्लियर। एक 8वां क्वेश्चन यहां पर है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया गया कि जिस प्रकार भवन का संबंध वास्तुकार से है, भवन किससे संबंधित है, वास्तुकार से, जो कि आर्किटेक्ट होता है किसी भी मकान को बनाने के लिए, वैसे ही पोशाक का संबंध किससे है, तो पोशाक कौन बनाता है, ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, कपड़ा, अभिकल्पनाकार, दर्जी या फिर सिलाई फ्री कढ़ाई, तो क्या हो जाएगा, ये दर्जी हो जाएगा जो इसका निर्माण करता है पोशाक का, क्लियर। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। तो गाइज यहाँ पर हमने 8 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस किए, बिल्कुल आसान से मेथड से, समझने वाले मेथड से इसको सॉल्व किया है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है, कोई प्रॉब्लम है कमेंट में बताइए, और जो ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं, इसकी PDF मैं डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर, वहाँ पर आप देख लेना कि कौन कौन से क्वेश्चन है। एक बार वीडियो देख लीजिए, वीडियो देखने के बाद इसकी PDF भी डाउनलोड कर लेना, और फिर दोबारा से खुद से करके देखना, ठीक है गाइस। तो ये था पार्ट 2, हमारी जो 100 रीजनिंग क्वेश्चन हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड करके चलेंगे, और सभी एग्जाम के लिए हैं, SSC, CGL, CPO, CHSL है, बैंकिंग का एग्जाम है, रेलवे है, UPSC का एग्जाम है, UPPCS का एग्जाम है, स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम है, सभी को ध्यान में रखकर ये वीडियोस प्रिपेयर की जा रही हैं, क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।